नमस्कार। भारत का जीनिंग उद्योग आज गहरे संकट में है। अभी अभी अखबार में पढ़ा कि गुजरात के जिनर ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो जिनर आज 200 करोड़ रुपए के लॉस में है। यही वाक्य आज से करीबन एक महीने पहले और एक जिनर के साथ हुआ। महाराष्ट्र का एक जिनर वहाँ के कॉटन फार्मर्स के 6 करोड़ रुपए एक साल से नहीं दे पा रहा है और उसने भी हाथ ऊपर कर दिया। एमपी का एक जिनर महाराष्ट्र में जाके सीड बेचता है, एडवांस में 58 लाख रुपए लेता है, लेकिन सीड की डिलीवरी नहीं देता है और उस पर केस दर्ज होता है। ये वाक्य बहुत अनकॉमन है कॉटन इंडस्ट्री में। जिनर के पैसे मिलों में सालों से रुकते आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं। आंध्र की बात करें तो वहाँ पे 5 जिनरों ने एक साथ एनपीए डिक्लेयर किया है कि हम आपके पैसे नहीं दे सकते, ऐसे उन्होंने बैंक्स को क्लियर कर दिया है। ये सब जो हो रहा है सामने तो ऐसा दिखता है कि जिनर का ही फॉल्ट है, जिनर की नीयत में खोट है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जिनर की नीयत में खोट है या उनकी कोई प्लानिंग में कमी है? अगर हम देखेंगे तो इंडिया में खास करके टेक्सटाइल उद्योग में रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है, और ये बहुत ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस स्टेप ना ले। आज जो भी जिनर्स के साथ में हुआ उसके अगर हम मूल तक जाए तो मूल में यही मिलेगा कि उनके पैसे किसी न किसी स्पिनिंग मिलों में या एक्सपोर्टर्स में रुके हुए हैं, और वो पैसे इसलिए रुके हुए हैं कि उन्होंने बिना सोचे या बिना पूरी जांच पड़ताल किए उन बायरों से काम किया और अपनी लिमिट के बाहर जाके काम किया। तो यही बात हम बार बार सालों से जिगरों को कहते आ रहे हैं कि आप प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स लीजिए, सिस्टमेटिक सेल्स स्ट्रेटेजी आप बनाइए और हर एक बायर पर एक लिमिट सेट कीजिए, बायर की पूरी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही आप उनसे बिजनेस करिए। जो ये कर रहे हैं, जो हमारे जिनर हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे हैं उन भाइयों से ये मेरा नम्र निवेदन है, आज ही से आप शुरुआत कीजिए। शिवरंग शुभम, आज से शुरू करेंगे तो ये आप 5 साल में इस बात को आप याद करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस का एक बहुत ही अविभाजित अंग बन चुका है। इसके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.cottonguru.org पे आपको मिल जाएगी। लेकिन भाइयों, बात याद रखने जैसी है, सबक एक को सीख सबको। सतर्क रहिए, बी अवेयर, बी अलर्ट।